come from two Indias. Those are the Indias that I bring on stage with me right now. Right. We're here at the Emmys because I wrote a love letter to my country. Hello! देखो बिना स्टडी किए हुए मैं कोई भी वीडियो बनाना नहीं पसंद करती हूँ। बात अलग है कि स्टडी करते करते टाइम निकल जाता है, ट्रेंड भी निकल जाता है। तो वीर दास ने तहलका मचा कर रखा है और ये आज की बात नहीं है, हमेशा की आदत है उनकी। साई बाबा इज लाइक अ चेन स्मोकिंग गुरु। गुड मॉर्निंग, स्लीपिंग वेल, स्लीपिंग राम, कैन यू गेट योर क्रीपी ब्रदर आउट ऑफ योर प्लीज। वीरदास के ऑलमोस्ट सारे परफॉर्मेंसेस को ऑब्जर्व करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तुम्हारी मर्जी कि तुम देखो या ना देखो, लेकिन मैं उनसे इंस्पायर होकर एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद नहीं आया इसका मतलब तुम राइट विंग नेशनलिस्ट हो। And if you go and look at this video, when it goes up on YouTube, you will find some comments that are like, Veer Das is an unintelligent comedian. He does not know enough about politics. He should stick to what he knows. And that is a valid point of view from the right wing. ये टैग अपने आप उड़ के आके तुम्हारे पर चिपक जाएगा। स्टूपिड कहलाना तो आदमी फिर भी सही है, लेकिन वोक लोगों के बीच में नेशनलिस्ट, राइट विंग, आउट ऑफ स्पेस होना किसी को पसंद नहीं ना। अब वो लोग जो किसी को बोलने नहीं देना चाहते, दूसरे की बातें सुनना ही पसंद नहीं है, अगर उनके थॉट के अगेंस्ट है तो उनको कहते हैं टायरेंट, फैसिस्ट। ये सुन के कोई और चेहरा याद आ रहा होगा ना, काफ़ी मेहनत से चिपकाया गया है वहाँ पर। लेकिन यार देखो, जो भी ऐसा करता है वो सब वही है। ओके, तो तुम्हें ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि तुम तो ब्रॉड माइंडेड हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ गया इसका मतलब तुमने सही लोगों के लिए वोट किया है अपनी तरफ से, और तुम पे कोई प्राउड नहीं है, he admits. Which India is proud of me? None of them. और तुमको किसी के हंसने रोने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम सही होने चाहिए एटलीस्ट अपनी नजरों में। कितना नार्सिसिस्टिक साउंड कर रहा है ना। खैर, तो फिर तुम इंटेलिजेंट हो और तुम्हारी चॉइस इंटेलिजेंट लोगों वाली है। क्लैप फॉर योरसेल्फ, यू हैव सक्सेसफुली अचीव्ड ग्रेट टेस्ट इन कॉमेडी एंड पॉलिटिक्स एज पर यू। अब तुम कंफ्यूज हो गए, ये तारीफ चल रही है, बुराई चल रही, चल क्या रहा है? और इतिहास गवाह है, अगर इंसान को कुछ समझ नहीं आता है तो हल्की सी हंसी और ताली अपने आप बजने लगती है, ये सोचते हुए कि ये सर के ऊपर से गए तो कुछ अच्छा ही होगा। अब तुम पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके हो, तो दिस इज द बेस्ट ऑडियंस आई कैन क्रिएट फॉर अ वीर दास वीडियो, जैसा कि उसके वीडियोस में होता है। सो मेक सम नॉइज फॉर हिम। देखो, हर कॉमेडियन का एक स्टाइल होता है। राजू श्रीवास्तव एंटर करते हैं, यू नो कि कुछ देसी कॉमेडी होने वाली है। कपिल शर्मा एंटर करता है, यू नो कि फैमिली फ्रेंडली कुछ ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी काइंड ऑफ हल्के फुल्के चुटकुले होने वाले एंड को स्टार्स की बॉडी शेविंग और समथिंग। एंड अगर कुणाल कामरा जी आते हैं तो यू नो मोदी के जोक्स होने वाले हैं। एंड वीर दास एंटर करते हैं स्टेज, यू नो इंडिया एंड इंडियंस पे जोक होगा। I've devoted my life to writing about my country. उसने अपना करियर इस पे बनाया है। तो अगर आप वीर दास की कॉमेडी में से इंडिया और इंडियंस निकाल दें तो बचता है बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और एफ वर्ड। और कुछ चीजें और है उनकी कॉमेडी में, जैसे फैक्ट्स एंड इंटेलिजेंस को छोड़ के सब। एंड मैक्स है क्लेवरनेस एंड ही इज वेरी विटी। मैंने उनसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज देखे एंड आई थिंक ही रियली गिव्स गुड इंटरव्यूज। इंटेलिजेंट, फैक्ट बोलने वाले, किसी से न डरने वाले, बहुत ही ब्रेव। इससे पहले कभी फ्रीडम फाइटर्स याद आया करते थे, आजकल लोग स्टैंड अप कॉमेडी के साथ एसोसिएट करते हैं। कलिक साइड इफेक्ट्स, हैशटैग ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। वेल, इनका जो संबोधन था कैनेडी सेंटर पे, संबोधन बोल लो, स्टैंड अप कॉमेडी बोल लो, एक्ट बोल लो, पता नहीं क्या बोलना चाहिए। खैर, तो यहाँ पर इनकी जो ऐतिहासिक लाइन ये वहाँ मार कर आए हैं जो है ये, I'm from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. तो इस तरीके का स्टेटमेंट देकर ये विदेश से तालियां लेकर आए हैं, यूएस से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा एक डेटा है जो निकला था जिसमें बताया गया था कि रेप सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में होते हैं, एंड उसमें नंबर 13 पे आता है यूएस, नंबर 14 पे आता है यूके एंड इंडिया आता है 95 पर। आप ये लिस्ट स्वयं चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। क्या है, मैं फैक्ट्स पर बात करती हूँ, तो हमें सुनी सुनाई बातों से ज़्यादा फैक्ट की तरफ जाकर बातचीत करनी चाहिए। मैं इस पर भरोसा करती हूँ और अगर कहीं गलती हो जाए तो मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। अनलाइक जो कॉमेडी एंड इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड रखते हैं और उनसे सॉरी नहीं बोला जाता, बाकी सब बोल लेते हैं, वो इतने ब्रेव। देखो, अब मैं एक और ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स करने वाली हूँ। वीर दास जी को बहुत पसंद है अपफ्रंट बोलना, स्ट्रेट बोलना, तुम्हें लगेगा कि एकदम सही बोलता है, एकदम सामने बोलता है जो भी है, बट एक्चुअली हिज कॉमेडी स्टाइल इज वेरी कन्फ्यूजिंग। अब इमेजिन करो तुम उनके ऑडियंस में बैठे हो, उनके स्टैंड अप में, एंड तुम्हें उनकी जोक की हंसी नहीं आ रही, बट इसका मतलब क्या निकलेगा, दैट तुम्हें स्ट्रेट फैक्चुअल ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी जो बहुत डीप डार्क बहुत बढ़िया होती है तुम्हें समझ नहीं आ रही, यूर इडियट। बिकॉज देखो, वहाँ तो बहुत सीधा होता है, अगर तुम नहीं हंसे मतलब राइट विंगर, और तुम कॉमेडी के नाम पे इंडिया या इंडियंस पे नहीं हंसे तो तुम नेशनलिस्ट। क्योंकि एक पॉइंट पे तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि कॉलेज के प्लेसमेंट पे मुझे किसने लाके बैठा दिया, ओह माय गॉड। क्योंकि एक और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है उनके स्टैंड अप में, वो कहते हैं कि देखो अनकंफर्टेबल हो रहे हो ना तुम, दिक्कत हो रही है ना तुम्हें, ये चीज़ सहन नहीं कर पा रहे हो ना, ऑब्जर्व ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है ना,
नहीं हो रहा ना, देखा दिमाग बंद है तुम्हारा. Look at how uncomfortable you are right now. तुम्हें याद है पहले वो मैसेजेस आते थे जिसमें कहा करते थे कि बुरी न्यूज मिलेगी अगर किसी को फॉरवर्ड नहीं किया, माता रानी तुम्हें पाप लगाएगी वगैरह वगैरह. बस वीर दास पिक दिस वन आल्सो. Every time I do a joke about religion, people are like, Veer, but why must you joke about religion? There are so many other wholesome and relatable topics that you can use to make other people laugh. My Gujarati uncle, man, fuck. Being a normal human, तुम प्रूफ करने में लग जाते हो कि नहीं यार ये भी कमजोरी नहीं है मेरी. नहीं नहीं ये प्रॉब्लम थोड़ी होती है. You are very funny, very funny. Such a clever comedian he is. Oh my God! Veer ji ke paas do bahut important things hain jisse wo comedy kar sakte hain. Very important things. One, India. Two, passport. Because imagine, koi American America mein jaakar bole ki I come from America, jahan bas global warming ki baatein hoti rehti hai. My God. Wahan thoda dekh dakh ke bolna padta hai. Sabke paas hai. खुद परेशान है सबको क्यों दे दी गई है. होता नहीं कि घर वालों की बेइज्जती पड़ोसियों के सामने करो, पड़ोसी ऐसे और मोटिवेट करता है, बेटा तुमने तो बहुत कमाल हो यार, तुमने तो बड़ी हैवी ड्राइवर हो तुम. बस वीरदास पिक दिस इंडिया के नाम पे कॉमेडी उन्होंने दुनिया के हर कोने में जाके कर दी और सोचा कि इंडिया में तो लोग जोक के नाम पे चला ही लेंगे और अगर नहीं चलाएंगे तो एफ वर्ड बोल दूंगा तो लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे. एंड होता भी है. देखो हद तो तब हो गई जब वीरदास ने इस बार स्टेज में जाके बोल दिया आई कम फ्रॉम टू इंडियाज, क्योंकि हमको एक हजम नहीं हो रहा आपके मुंह से, आप दो दो लेके जा रहे हो स्टेज पर. देखो मैं तुम्हें एक अच्छी एडवाइस दूंगी, ना राइट हो ना लेफ्ट हो, तुम जाओ भैया अपनी तरफ से जो तुम्हारे क्षेत्र में अच्छा काम करे उसको दो अपना वोट, बात खत्म. ये ऑब्जर्व किया राइट लेफ्ट का इतना हो गया है कि मतलब मैंने नहीं देखा किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को बोलते हुए कि आई एम राइट विंगर, आई लव मोदी, आई लव इंडिया. नहीं, ये मतलब एकदम ही अनकूल हो गया. ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, समझ से बाहर. एंड वीरदास द गाय इतनी रिस्पेक्ट करते हैं वो वुमेन की. स्टैंड अप की आयरनी मुझे ये लगी कि इनका इंडिया का पिक्चराइजेशन खुद का 150 साल पुराना लगा मुझे. कुछ लोगों का मैंने वीडियो देखा उसमें उनका कहना है कि यार ये इंडियंस को ना इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि बाहर जाके बोल दिया गया. बस उनको लगता है कि बाहर वालों को पता ही नहीं चलता इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. एक्सक्यूज मी, दिक्कत ये नहीं है, द प्रॉब्लम इज फैक्ट्स आर रॉन्ग जिस पे इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि ये तो परम सत्य है एंड सब क्लैप्स कर रहे हैं वहाँ पे, जबकि जो लोग क्लैप कर रहे हैं वो ज़्यादा दोषी हैं उन्हीं मामलों में जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि यार we are very bad. We're here at the Emmys because I wrote a love letter to my country. Right. As long as I'm able to do comedy, I will keep writing love letters to my country. Hi guys. So, जैसा कि वीरदास जी ने बोला कि वो लव लेटर लिख रहे थे कंट्री को, सो मैंने भी इंस्पिरेशन लेके एक एक्स वाई जेड पर्सन के लिए लव लेटर लिखा है. एंड आप मान लीजिए कि एक इवेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं एंड मैं हूँ, आप हैं, एंड वहाँ पे ये एक्स वाई जेड पर्सन भी है और ये इवेंट को कैप्चर किया जा रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है बकायदा. एंड यस, सो मैंने अपने दिल की गहराइयों से कुछ इनके लिए लाइंस लिखी है जो मैं सबके सामने बोलना चाहती हूँ एंड वो लाइंस अब मैं बोलने वाली हूँ आपके सामने. सो यू आर अ पर्सन विद टू साइड्स, यू लेट मी फ्लाई एंड डू व्हाटएवर आई विश टू डू, बट यू बीट मी एट नाइट. आई स्टिल हैव मार्क्स बट आई रिमेंबर योर वॉर्म हग्स टू. You're a person who supports me, holds me, and yet you tried to kill me twice. You're a person I wanna be with for life. And I know you're toxic, violent, and psychopath, but here I am, who always sees the bright side in you. Because I wanna be with you forever. Because I love you more than my life. So I would like you all to clap for this guy and just appreciate him. And because you love this guy, I know that you do, and I also love this guy. So I think he can be far more better than this. Just clap for him. Hi guys. So एक बहुत ही unfortunate चीज़ है. I do not understand. मेरा ऐसा कोई intention नहीं था, फिर भी लोगों ने इसे गलत तरीके से ले लिया है. लोग उस लड़के को बहुत ही गलत इमेज से देख रहे हैं, उसके प्रति अपना नज़रिया बदल रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी उल्टी सीधी खबरें छप रही हैं. मुझे लोग ब्रेव कह रहे हैं, मेरे साथ सिंपथाइज कर रहे हैं. आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस. मैंने एक लव लेटर लिखा था. प्लीज़ आप मेरी बात को आउट ऑफ कंटेक्स्ट मत लेके जाइए, अपने तरीके से मत प्रेजेंट कीजिए, पूरी बात समझिए आप. मैंने क्लैप करवाया, चीयर करवाया उस लड़के के लिए बिकॉज आई लव हिम एंड मैंने कहा कि वो और बेहतर हो सकता है. मैंने बातें सामने रखी एंड जस्ट we were celebrating that guy. Don't do like this yaar, please.
As long as I'm able to do comedy, I will keep writing love letters to my country. तो बस इस चीज से यही सीखते हुए कि अगर आपने इस वीडियो को डिसलाइक किया, अगर आपने नीचे कोई हेट कमेंट छोड़ा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसका मतलब यू हैव अ ब्लॉक माइंडसेट। अब तुम सोचो कि तुम्हारी ये बेइज्जती हुई है कि तुम्हारी ये तारीफ हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज़ यू आर अ काइंड एंड यू आर द पार्ट ऑफ दिस प्राइड। सी यू सून विद न्यू वीडियोस। ओके बाय।